हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज हम हमारी वीडियो में जानेंगे श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया था, क्या क्या बेहद खास बातें हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं द न्यू एंड ग्रैंड श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। क्या है विश्वनाथ मंदिर का इतिहास? तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री क्या है। अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो ये जो मंदिर है ये हिंदुओं का बहुत ही फेमस टेम्पल है और 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक है। मुगल शासक औरंगजेब के फरमान से 1669 में आदि विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किया जाने के बाद 1777 में मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद वर्ष 1835 में राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को स्वर्ण वंडित कराया, तो राजा औसानगंज त्रिविक्रम सिंह ने मंदिर के गर्भगृह के लिए चांदी के दरवाजे चढ़ाए थे। काशी विश्वनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण कालखंड पर नजर डालें तो औरंगजेब से भी पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। 13वीं सदी में एक गुजराती व्यापारी ने मंदिर का नवीनीकरण कराया, तो 14वीं सदी में शर्की वंश के शासकों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। 1585 में एक बार फिर टोडरमल द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था, लेकिन अब 436 साल में तीसरी बार मंदिर का जीर्णोद्धार विश्वनाथ धाम के रूप में हुआ है। विश्वनाथ धाम में यह है बेहद खास बातें। अब यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या क्या क्या बदलाव हैं जो यहाँ पर कराए गए हैं। तो यहाँ पर चुनार के गुलाबी पत्थरों से सजाया गया है विश्वनाथ धाम को पिंक सिटी की तरह। गंगा व्यू गैलरी से भक्तों को दिखेगा विश्वनाथ दरबार और गंगा की अविरल धारा। पाइपलाइन से विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह तक आएंगी गंगा धार। पहला ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां भारत माता की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। आदि शंकराचार्य और महारानी अहिल्याबाई की भी प्रतिमा लगेगी। मुख्य मंदिर परिसर का विस्तार 80 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े परिक्रमा पथ पर है। 157 जोड़ी खंभों पर बना है परिक्रमा मंडप। 352 साल बाद ज्ञानवापी मंडप कूप और आदि विश्वेश्वर के नंदी मुख्य मंदिर का हिस्सा। चारों दिशाओं में 32 फीट ऊंचे और 40 फीट चौड़े किले जैसा फाटक। विशाल मंदिर चौक में एक समय में रह सकेंगे 50,000 श्रद्धालु। शिव वन में दिखेंगे रुद्राक्ष, हरसिंगार, मदार आदि के वृक्ष। वाराणसी गैलरी में दिखेगी इतिहास से लेकर पहचान से जुड़ी हर चीज। कॉरिडोर एरिया के मकानों में कैद रहे 27 प्राचीन मंदिरों की मणिमाला। मंदिर परिसर में संगमरमर पर उकेरा गया है काशी के महात्म का चित्रात्मक वर्ण। तो ये सारी विशेष चीजें जो है ये इस मंदिर में अब की गई है। अब इसके निर्माण में क्या क्या खास चीजें यूज की गई हैं? तो चुनार के बलुआ पत्थर के अलावा 7 प्रकार के अलग अलग तरह के यहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मकराना के दूधिया मार्बल से फ्लोरिंग की गई है और जैसलमेर का मंडाना स्टोन घाट किनारे सीढ़ियों पर लगाया गया है। वैदिक केंद्र, संग्रहालय व खास भवनों में ग्रेनाइट और कोटा यूज किया गया है। भूकंप और भूस्खलन से बचने को पत्थरों को जोड़ा गया है पीतल की प्लेटों से। 18 इंच लंबी तथा 600 ग्राम वजन की पीतल प्लेटों को कसने के लिए 12 इंच की गुल्ली लगाई गई है। पीतल और पत्थरों के बीच की जगह भरने को केमिकल लैपॉक्स अल्ट्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है।
श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं बढ़ गई हैं। 3 विश्रामालय, वैदिक केंद्र, स्पिरिचुअल बुक स्टोर, कल्चरल सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, सिटी म्यूजियम, मोक्ष भवन में 18 दंपतियों के रहने की सुविधा है, भोगशाला व दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, पुजारी विश्राम कक्ष, गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए यहाँ पर एस्केलेटर्स का यूज किया गया है। अब विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या स्थापित जो स्टार्ट किया गया था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2019 में जारी हुआ था इसका ग्लोबल टेंडर। जनवरी 2020 मकर संक्रांति से शुरू हुआ था इसका निर्माण और 345 करोड़ की लागत से हुआ है धाम का निर्माण। 339 करोड़ की लागत से धाम के लिए खरीदे गए 300 भवन, 5.3 लाख वर्ग फुट में बना है विश्वनाथ धाम और विश्वनाथ मंदिर से गंगा तट का 400 मीटर में बना है धाम। 30% क्षेत्र में बने हैं 24 भवन, शेष खुला या हरियाली को समर्पित किया गया है। 5.43 करोड़ रुपए से हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स से नियंत्रण यहाँ पर रखा जाएगा। मंदिर व आसपास 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई जाएगी और एयर सर्विलेंस सिस्टम से आकाश में निगरानी की जाएगी, यानी कि इस मंदिर की निगरानी एयर सर्विलेंस सिस्टम से की जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी कई सुविधाएं लगाई गई। अब जैसा कि हमने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लॉर्ड शिवा को ये समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर ये है। यह प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे पवित्र है। यह तीर्थ यात्रियों और यात्रियों को चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा गलियां, चमकदार स्ट्रीट लाइट के साथ बेहतर रोशनी एवं स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यानी कि यहाँ पर जो श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ये तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस मंदिर को और भी ज़्यादा अच्छा फर्निश कर दिया गया है। यहाँ पर पर्यटन सुविधाएं जो हैं उन्हें बढ़ाया गया है, स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया है, जो गलियाँ थी उनको ब्रॉड कर दिया गया है, साफ सुथरा एकदम कर दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसीलिए चलाया गया था ताकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके और ये और भी ज़्यादा अच्छा बन सके। तो ये आप याद रखिएगा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हो। थैंक यू।